खबर नागौर की रिया बड़ी से है, जहां जिला कलेक्टर दिनेश यादव ने उपखंड क्षेत्र में बने क्वारंटीन सेंटरों का निरीक्षण कर पूरी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर दिनेश यादव ने यह कहा कि आमजन के जीवन को सुरक्षित रखना हमारी पहली प्राथमिकता है, इसलिए जो भी व्यक्ति क्षेत्र के बॉर्डर क्रॉस करने का प्रयास कर रहे थे उन्हें क्वारंटीन सेंटरों में ठहराया गया है। इस मौके पर SDM सुरेश कुमार, तहसीलदार धीरज झाझड़िया समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। उसके लगे हुए हम सब लोग उनको देख रहे हैं ताकि कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या तो उनकी नहीं है। कुछ एक लोगों में एक भावना भी है जाने की, तो उनको समझाना भी जरूरी है, थोड़ा संबल देना है कि लॉकडाउन का पीरियड है, जैसे ही समाप्त होगा उन लोगों को भेजने की व्यवस्था हम लोग करा देंगे। बाकी कोई किसी की समस्या नहीं है, कोई खाने पीने की और किसी तरह की दिक्कत नहीं है। एक मन में जाने का भाव जो है वो उसके लिए हम उनको समझा रहे हैं कि लॉकडाउन के पीरियड में आराम से बैठ करके। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहाँ कोरोना महामारी की रोकथाम